बात 20 सितंबर की है। नागौर के परबत्सर के एक फार्म हाउस में एक मादा बघेरा अपने नन्हे शावक के साथ दस्तक देती है। फार्म हाउस पर काम करने वाले कर्मचारी की आहट सुनते ही मादा बघेरा दीवार कूद जाती है, पर नन्हा शावक ऐसा नहीं कर पाता और वो वहीं रह जाता है। कर्मचारी फार्म हाउस मालिक को इसकी इतला देता है और मालिक वन विभाग को। इस तरह सूचना मिलते ही वन कर्मी फार्म हाउस पर पहुंच जाते हैं और शावक को संभालते हैं। वे फैसला करते हैं कि मादा पैंथर के वापस इस शावक को लेने आने तक इस शावक को यहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन लंबे इंतजार के बाद भी मादा पैंथर नहीं लौटती है। वन कर्मी इस नन्हे शावक को जयपुर के नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में भेजने की तैयारी करते हैं ताकि बगैर माँ के वो सुरक्षित तो रह सके। इसी योजना के चलते उसे पिंजरे में बंद कर लिया जाता है, लेकिन फार्म हाउस मालिक के आग्रह पर फिर शुरू होती है मादा पैंथर से उसके नन्हे शावक को मिलाने की कोशिशें। रात को वन कर्मी पिंजरे में रखकर फिर शावक को पास ही के जंगल में पहुंचते हैं, लेकिन इस बार इंतजार खाली नहीं जाता। अपने शावक की तलाश में भटकती मादा पैंथर आखिर वहां पहुंच जाती है। इतने में ही वन कर्मी पिंजरे का दरवाजा खोल देते हैं और इस तरह दो दिन बाद बिछड़ा शावक अपनी माँ से मिल पाता है। 4 माह के शावक को उसकी माँ से मिलवाने में फार्म हाउस कर्मचारी और मालिक के साथ वन कर्मियों की भूमिका भी प्रशंसनीय रही है।